Hey guys, welcome on this video. My name is Tarani Goswami. I am a BHMS student. So guys, जैसा कि मैंने आप सबको बोला था कि मैं अब कुछ pathology से related videos डालने वाली हूँ. So हम वैसा ही करने वाले हैं. बस एक overview about the some chapters. मैं आपके सामने कुछ videos बताऊँगी कि कुछ main जो points होते हैं वो क्या होते हैं. Pathology में कौन कौन से chapters हैं. ये मेरे पास एक book है. ये बुक है हर्ष मोहन पैथोलॉजी क्विक रिव्यू. काफ़ी अच्छी बुक है एंड इस बुक में जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो शॉर्ट करके दिए हुए हैं, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है. सो गाइज, आज हम कवर करेंगे टॉपिक नियोप्लेजिया. ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर एक स्टूडेंट जो भी मेडिकल स्टूडेंट है उनकी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं पैथोलॉजी के, क्योंकि पैथोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजकल की मॉडर्न लाइफ में जो चेंजेस हो रहे हैं डिसीजेस में भी. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. सो हम नियोप्लेजिया के बारे में आज बिल्कुल ओवरव्यू पढ़ेंगे कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है. अगर आप इसकी बड़ी बुक देखोगे हर्ष मोहन की, तो उसमें बहुत ही बड़ा चैप्टर दिया हुआ है. तो आज हम सिर्फ मेन पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि क्या है इस चैप्टर के अंदर. ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं नियोप्लेजिया. तो जब भी हम कोई वर्ड पढ़ते हैं, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, तो हमें उसकी डेफिनेशन भी पढ़नी होती है. सो नियोप्लेजिया, इसकी डेफिनेशन क्लासिफिकेशन क्या है. अ नियोप्लाज्म और अ ट्यूमर इज डिफाइंड एज अ मास ऑफ अ टिश्यू फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ एबनॉर्मल एक्सेसिव अनकोऑर्डिनेटेड ऑटोनोमस एंड पर्पसलेस प्रोलीफ्रेशन ऑफ सेल्स. तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नियोप्लाज्म या जो ट्यूमर्स होते हैं वो क्या होते हैं. इट इज़ अ मास ऑफ अ टिश्यू, ये एक तरीके का मास है टिश्यूज़ का, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ. और ये जो मास बनता है, मास ऑफ टिश्यू बनता है, ये कैसे बनता है, रिजल्ट ऑफ एबनॉर्मली एक्सेसिव, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अनकोऑर्डिनेटेड, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, एंड ऑटोनोमस अपने आप ही पर्पसलेस विदाउट पर्पस ये सारी सेल्स जो है वो प्रोलीफ्रेट कर रही हैं. और जब सेल्स प्रोलीफ्रेट करेंगी तो क्या बनाएंगी, इट ये फॉर्म करेंगी मास ऑफ अ टिश्यू, तो उसको हम बोलते हैं नियोप्लाज्म या उसको हम बोलते हैं ट्यूमर. सिंपल. सो ये जो नियोप्लाज्म होता है ये इसमें एबनॉर्मल एक्सेसिव अनकोऑर्डिनेटेड ऑटोनोमस पर्पसलेस प्रोलीफ्रेशन होता है सेल्स का इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ अ ग्रोथ स्टिमुलस विच कॉज्ड इट. जबकि जो भी उन सेल्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं, जब हम उस कॉज को भी हटा देते हैं तब भी वो प्रोलीफरेट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नियोप्लाज्म. नियोप्लाज्म में भी बेनाइन और इनोसेंट व्हेन देयर आर स्लो ग्रोइंग एंड लोकलाइज्ड विदाउट कॉजिंग मच डिफिकल्टी टू द होस्ट. तो बेनाइन ट्यूमर वो होते हैं जो कि स्लो ग्रोइंग होते हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है. एंड लोकलाइज विदाउट कॉजिंग मच डिफिकल्टी टू द होस्ट. तो ये जो होस्ट होता है, जो मैन होता है, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है बेनाइन ट्यूमर्स में. और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होते हैं, वेन दे प्रोलीफ्रेट रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी प्रोलीफ्रेट करते हैं, स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं एंड मे इवेंचुअली कॉज डेथ ऑफ द होस्ट. और वो इवेंचुअली जो होस्ट है उसकी डेथ कर देते हैं. कैसे कर देते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की, जैसे डेथ कैसे हो जाती है, क्योंकि मैलिग्नेंट ट्यूमर का क्या होता है, वो और भी बॉडी पार्ट्स में चले जाते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, क्योंकि उसमें मेटास्टेसिस हो जाती है. इसकी वजह से जो होस्ट है उसकी डेथ भी हो सकती है. द कॉमन टर्म यूज फॉर द ऑल मैलिग्नेंट ट्यूमर्स इज अ कैंसर. तो कैंसर जो आजकल इतना वर्ड सुना जाता है, सो एक कॉमन टर्म यूज़ की जाती है सारे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के लिए, उसको हम बोलते हैं कैंसर, मीनिंग क्रैब. दस रिफ्लेक्टिंग द ट्रू करेक्टर ऑफ अ कैंसर सिंस इट स्टिक्स टू द पार्ट स्टबरी लाइक अ क्रैब. तो जैसे कि क्रैब चिपक जाता है ना, वैसे ही कैंसर भी चिपक जाता है बॉडी से. ठीक है, ऑल ट्यूमर्स बेनाइन एज वेल एज अ मैलिग्नेंट हैव टू बेसिक कॉम्पोनेंट्स. जो ट्यूमर्स होते हैं उनके कुछ बेसिक कॉम्पोनेंट्स होते हैं, दो बेसिक, कौन कौन से, पैरेन्काइमा एंड सपोर्टिव स्ट्रोमा. सो पैरेन्काइमा क्या है, इज कंप्राइज बाय प्रोलीफरेटिंग ट्यूमर सेल्स. पैरेन्काइमा डिटरमाइंस द नेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ द ट्यूमर. एंड सपोर्टिव स्ट्रोमा इज अ कंपोज ऑफ अ फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू. ये किससे बना हुआ है, पैरेन्काइमा इज कंप्राइज ऑफ प्रोलीफरेटिंग ट्यूमर सेल्स. जो सेल्स प्रोलीफरेट कर रही हैं वो बनाता है पैरेन्काइमा. एंड इसके वर्ड से समझ में आ रहा है सपोर्टिव स्ट्रोमा, मतलब कि उसके आसपास वाला. सो इज कंपोज ऑफ अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स. इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क ऑन विच द पैरेन्काइमल ट्यूमर सेल्स ग्रो. जिस पर जो पैरेन्काइमल ट्यूमर सेल्स ग्रो करती हैं वो होता है सपोर्टिव स्ट्रोमा. ठीक है, सो आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ डिस्कस किया है नियोप्लेजिया में जो हम पढ़ते हैं नियोप्लाज्म, मतलब कि ट्यूमर, उसकी डेफिनेशन. उसकी डेफिनेशन में क्या बताया मैंने, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एबनॉर्मल एक्सेसिव अनकोऑर्डिनेटेड ऑटोनोमस एंड पर्पसलेस
proliferation of our cells even after removal of a growth stimulus which caused it. तो ये दो टाइप के होते हैं, बेनाइन एंड द मैलिग्नेंट. बेनाइन जो है वो स्लो ग्रोइंग होता है एंड मैलिग्नेंट बहुत रैपिडली ग्रोइंग होता है. एंड इसके दो बेसिक कंपोनेंट्स थे, एक था पैरेन्काइमा, सेकेंड वन इज सपोर्टिव स्ट्रोमा. ठीक है, इतना हम और कवर करते हैं. द ट्यूमर्स ड्राइव देयर न्यूमेन कल्चर ऑन द बेसिस ऑफ अ पैरेन्काइमल कंपोनेंट कंप्राइजिंग दैम. द सफिक्स ओमा इज एडेड टू डिनोट बेनाइन ट्यूमर. जो कि बेनाइन ट्यूमर होते हैं उसमें हम क्या वर्ड यूज करते हैं, सफिक्स ओमा. ठीक है, जैसे कि कार्सिनोमा, एडिनोमा, और हम कह सकते हैं पैपिलोनोमा, लिम्फोमा, फाइब्रोमा, मैग्जोमा, ये सारे क्या हैं, बेनाइन ट्यूमर्स हैं. मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ एपिथेलियल ओरिजिन आर कॉल्ड कार्सिनोमा. अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर है और उसका ओरिजिन एपिथेलियल सेल से हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कार्सिनोमास, वाइल मैलिग्नेंट मेसेनकाइमल ट्यूमर्स आर नेम्ड एज अ सार्कोमास. However, some cancers are composed of a highly undifferentiated cells and are referred to as a undifferentiated malignant tumor. So, इतना point बहुत ही ज़्यादा अगर आपको difficult लगा हो तो हम कर लेते हैं एक बार फटाफट का revision. हमने सबसे पहले पढ़ ली क्या, डेफिनेशन पढ़ ली, इनके दो बेसिक कॉम्पोनेंट्स पढ़ लिए. उसके बाद हमने कहा कि जो benign tumors होते हैं उसके उसमें एक suffix use किया जाता है oma. और अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो मैलिग्नेंट ट्यूमर के ट्यूमर का अगर ओरिजिन एपिथेलियल है तो उसको हम बोलेंगे कार्सिनोमा, और अगर मेसेनकाइमल ओरिजिन है तो उसको हम बोलेंगे सार्कोमा. एंड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कंपोज्ड है उसमें तो उसको हम बोलेंगे अनडिफरेंशिएटेड मैलिग्नेंट ट्यूमर. उसके बाद हम इन द नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे स्पेशल कैटेगरीज ऑफ ट्यूमर्स. ठीक है, उसके बाद इसमें आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं. फिर एक करैक्टरिस्टिक ऑफ अ ट्यूमर कि कैसा करैक्टरिस्टिक होता है, उसकी रेट ऑफ ग्रोथ, कैंसर फीनोटाइप एंड स्टेम सेल्स, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे जो भी इम्पॉर्टेंट होगा. उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटास्टेसिस. आफ्टर दैट हम बात करेंगे एपिडेमियोलॉजी ऑफ अ कैंसर. उसके बाद मॉलिकुलर बेसिस ऑफ कैंसर. आफ्टर दैट इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइक कार्सिनोजन्स एंड कार्सिनोजेनेसिस, इन सबको हम डिस्कस करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस तरीके से ये कैंसर वगैरह होता है. सो ये सारी वीडियोस हम कवर करने वाले हैं. गाइस, अगर आपको मेरी पैथोलॉजीज की वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैथोलॉजी की वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी. सो गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेसन. थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर.